हाल ही में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो पूर्व ISI चीफ था फैज़ हमीद, उसको अरेस्ट किया गया है। उसके ऊपर अब एक कोर्ट मार्शल की पूरी एक एक्टिविटी का गठन किया जाएगा और उसको कोर्ट मार्शल किया जाएगा। पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली ऐसी बार है कि इतने बड़े अधिकारी, खास करके वो भी जो पूर्व ISI का चीफ रह चुका है, उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपके सामने मीडिया एक नरेटिव पेश कर रही है, नरेटिव पेश करके ये बोल रही है कि भाई देखिए, जो पाकिस्तान का ISI चीफ था वो किसी करप्शन स्कैंडल में फंस गया था, करप्शन के कारण उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल झूठ और गलत है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट के पास एक आर्मी नहीं बल्कि आर्मी के पास एक स्टेट है। आप इस फ़र्क को समझने की कोशिश कीजिए। और इस प्रकार के स्टेट में जहाँ पर एक आर्मी के पास अपना एक स्टेट है, उसमें करप्शन होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। पाकिस्तान आर्मी का कोई एक ऐसा अधिकारी आज तक शायद पैदा नहीं हुआ होगा उस निकम्मी धरती पर जिसने कोई करप्शन हरकत में भाग ना लिया हो। तो करप्शन सिर्फ एक शील्ड है, एक ढाल का प्रयोग किया जा रहा है जिसके के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपाया जा रहा है आपके सामने कि पाकिस्तान के आर्मी के इस पूर्व अधिकारी को, जो ISI का चीफ भी बना, उसको बेसिकली हटाया क्यों गया। आज इस वीडियो में उसी कारणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जब हमीद ISI का चीफ बना था, हर एक ISI के चीफ के ऊपर सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि वो कश्मीर को लेकर अपनी रणनीति को स्पष्ट करे, क्योंकि ISI कश्मीर घाटी में आतंकवाद बहुत अग्रेसिव तरीके से फैलाती आई है और 1990 से नहीं बल्कि 1950-60 से फैलाती आई है। उसने कई ऐसे संगठनों का प्रयोग किया है जो आपने शायद कभी सुने नहीं होंगे। कभी सेपरेट वीडियोस में मैं आपके सामने कश्मीर का वो पूरा टेररिज्म भी एक्सपोज करूँगा। लेकिन जब हमीद आया तो हमीद को सबसे पहले ये बोला गया कि आप कश्मीर को लेकर क्या करना चाहते हैं। अब ये जवाबदारी किसकी थी? हमीद को जवाब देना था पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को, क्योंकि पाकिस्तान की ISI आर्मी के निगरानी में और आर्मी के अंडर काम करती है। समस्या ये हुई कि उस समय जब हमीद आया तो कोरोना काल बिल्कुल उस समय ऐसा चल रहा था कि लॉकडाउन हटा ही था और जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो थोड़े से ईज हुए थे। अब उस समय पे हमीद की जो स्ट्रेटजी और रणनीति थी वो ये थी कि उसने सबसे पहले लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद, जो पाकिस्तान आर्मी के लेफ्ट और राइट हैंड्स हैं, इनका प्रयोग करने के बजाय इन दोनों के थ्रू फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर टेररिज्म को कश्मीर में शुरू करने की कोशिश करी। आप चीज़ को समझने की कोशिश ये कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे जो दो संगठन हैं, इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत के खिलाफ करते हैं। लेकिन हमीद ने इस स्ट्रैटेजी को अपनाने के बजाय कुछ न्यू इनोवेटिव स्ट्रैटेजी अपनाई जो कि समहाउ आर्मी को पसंद नहीं आई। अब वो स्ट्रैटेजी क्या थी? वो स्ट्रैटेजी नंबर वन ये थी कि उस स्ट्रैटेजी के तहत लश्कर-ए-तैयबा ने एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट था, और जैश मोहम्मद ने एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट था। अब इन दो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस का प्रयोग करके कश्मीर के अंदर जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो कश्मीरी नागरिक हैं जो ISI के पेरोल पे काम करते हैं, उनका प्रयोग करके कश्मीर में इंडिविजुअल टेररिज्म किया गया। इंडिविजुअल टेररिज्म का जो हमीद ने ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान की आर्मी के चीफ को समझाया था वो ये था कि इंडिविजुअल टेररिज्म से हम उन शक्तियों को भारत में टारगेट कर पाएंगे कश्मीर में, जो किसी राजनीतिक वर्ग से जुड़ी हैं, आर्मी से जुड़ी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं। तो एक एक उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करके यदि एलिमिनेट किया जाए तो उससे बेसिकली पूरे कश्मीर घाटी में एक डर का, एक भ्रम का माहौल पैदा होगा। अब इस रणनीति के तहत जब उसने ये खेल खेलना शुरू करा तो पहली बात तो ये खेल से कोई भी डर भ्रम पैदा नहीं हुआ, बल्कि भारत के जितने भी काइनेटिक ऑपरेशंस हुए इस चीज़ को तोड़ने के लिए उसने पूरी की पूरी ISI की इस स्ट्रेटजी को ठप कर दिया। इसीलिए अगर आप आज की डेट में देखते हैं, 2 साल बाद डाउन द लाइन, आज कश्मीर घाटी में आज क्या हो रहा है, लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद डायरेक्टली अपने आतंकवादियों को घुसपैठ बनाकर भेज के भारत की सेना से वो लड़ रही है। अगर आप पिछले 3 महीने के अंदर कश्मीर घाटी में जो चीज़ें हो रही हैं अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम यही कहते हैं कि कश्मीर के अंदर ISI अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पर वापस चली गई है। सबसे पहला आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कश्मीर घाटी का कंप्लीट फेलियर हमीद के ऊपर, हमीद का जो खुद का करियर था वो एक ब्लॉट था। पाकिस्तान आर्मी के अंदर कोई भी व्यक्ति आला कमांड लेवल पर उस समय हमीद से, उसकी इस स्ट्रेटजी से खुश नहीं था। दूसरा फैक्टर, ISI ने पिछले कई सालों से कश्मीर को छोड़ के बाकी भारत के अंदर भी एक रणनीति जिहाद फैलाने की बनाई हुई है।
अब हुआ क्या था कि भारत की सरकार ने आज से 2-3 साल पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की एक संगठन है जिसको उन्होंने बैन कर दिया था अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत। अब जब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन हुई है तब से समस्या ये आई है कि जो PFI का काडर है, जो PFI से जुड़े हुए लोग थे, वो ढूंढ रहे थे एक नया संगठन। अब नए संगठन में एक नया जोश होना चाहिए, नए संगठन में एक नया उद्देश्य होना चाहिए, और जब नया उद्देश्य होगा, जब नया ऑब्जेक्टिव होगा, तभी एक नया फोर्सफुल एनर्जी के तहत व्यक्ति जो है उस संगठन से जुड़ के उस संगठन का काम करेगा। समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि PFI के बैन के बाद हमीद ने फिर से एक सो कॉल्ड नई इनोवेटिव अप्रोच बनाई। हमीद को बार बार ये लगता था, क्योंकि उसने कुछ समय अमेरिका में ट्रेनिंग के दौरान बिताए हुए हैं अपने करियर के दौरान, तो उसको अमेरिका के अंदर जो वहाँ पर उसने एक शब्द सीखा कि आर्मी हैज़ टू बी इनोवेटिव, आर्मी मस्ट ऑलवेज एक्ट इनोवेटिवली। देखिए, ये शब्द सुनने और बोलने में बड़े अच्छे हैं, पर जब आपको एक्शन लेना होता है, कार्य करना होता है, तब ये इतना आसान नहीं होता। आप उस समय अमेरिका की उस रणनीति को जो अमेरिका विजुअलाइज कर रही है वॉशिंगटन में बैठ के, वो चीज़ें जो हैं भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं लगाई जा सकती। लेकिन क्या हुआ, फिर वही उसी इनोवेटिव डॉक्ट्रिन के पीछे भागते हुए हमीद ने पूरे भारत के अंदर PFI के बैन होने के बाद क्लस्टर अप्रोच अपनाई। क्लस्टर अप्रोच का मतलब ये होता है कि उसने छोटे छोटे संगठन बनाए। उसने कहा कि भाई, भारत के विभिन्न प्रकार के इलाकों में, केरला से लेके कर्नाटका से लेके पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश तक, इस पूरे बेल्ट में अगर हम छोटे छोटे यूनिट्स क्रिएट कर देते हैं स्लीपर सेल टाइप के, तो वो बेसिकली भारत के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर पाएंगे। अब उसने बेसिकली क्या किया कि 3 बड़े संगठन तो बनाए जिसके अंडर ये सारे क्लस्टर्स बने। पहला संगठन था यूसुफ अल हिंदी, दूसरा संगठन था अंसारुल तौहीद, और तीसरा संगठन जो बनाया वो था हरकतुल हरबे इस्लामी। अब समस्या क्या हुई कि यूसुफ अल हिंदी, अंसारुल तौहीद, हरकतुल हरबे इस्लामी, ये जो तीनों संगठन बने, ये तीनों के पास कोई उद्देश्य नहीं था। PFI का जितना काडर मैनपावर थी वो इन संगठनों से तो जुड़ गई, पर उनको यही नहीं पता था करना क्या है। और जैसे ही ये 3 संगठन बने, इन 3 संगठन के पास क्योंकि कोई उद्देश्य ऑब्जेक्टिव नहीं था, सिर्फ इतना बोला गया कि व्हाट्सएप टेलीग्राम का प्रयोग करके रेडिकल लिटरेचर को इधर से उधर पहुंचाइए, तो वो कार्य से तो चीज़ चलने नहीं वाली। तो जाहिर सी बात है कि जो पैन इंडिया लेवल पर जिहाद की एक अपॉर्चुनिटी थी, वो हमीद ने बहुत बुरी तरह से खोई, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी के अंदर फिर से एक निराशा पैदा हुई हमीद को लेके। जनरली ऐसा कभी नहीं होता है। जनरली इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान की ISI का ये इतिहास है कि ISI के जितने भी चीफ रहे हैं, उन्होंने आज तक हमेशा पाकिस्तान आर्मी के ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंडर रहते हुए पाकिस्तान आर्मी का ही एजेंडा ISI का एजेंडा बना के चलाया है। तो हमीद ने अपने लिए फ्रिक्शन खुद पैदा किए थे। क्यों? अब दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि हमीद के अंदर ये सो कॉल्ड इनोवेशन जो बार बार मैंने आपको बताया, वो कहाँ से आ रही थी? एक फैक्टर तो जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी अमेरिका की ट्रेनिंग थी, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था इमरान खान। इमरान खान बार बार हमीद के साथ एक बहुत प्रॉक्सिमिटी में रिलेशन बना के रखा हुआ था। इमरान खान बार बार जो है हमीद को ये बात बोलता था कि देश को एक नई दिशा दिखानी है, पाकिस्तान को एक नई दिशा दिखानी है। भाई, पाकिस्तान को आप नई दिशा क्या दिखाएंगे? वहाँ के निखद लोगों को, निकम्मे लोगों को नई दिशा आप क्या दिखाएंगे? जो निहायती निकम्मे लोग हैं, जिन्होंने सवाए जिहाद के और शहर उगलने के सुबह से रात तक कुछ नहीं किया, वो लोग कुछ नया जीवन में कार्य क्या कर सकते हैं? तो आप इस चीज़ को सोचिए कि इमरान खान का थॉट प्रोसेस वैसा, ISI के चीफ का थॉट प्रोसेस वैसा। ISI चीफ और इमरान खान के बीच में गहरी दोस्ती, दोनों की दोस्ती के कारण दोनों के थॉट प्रोसेस का मिक्सिंग। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की आर्मी को इमरान खान धीरे धीरे पसंद नहीं आ रहा था। उसको लाने वाले भी वो थे, हटाने वाले भी वो थे। पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री इलेक्ट नहीं, सिलेक्ट होता है। तो उसका सिलेक्शन भी आर्मी ने किया, उसका रिमूवल भी आर्मी ने किया। अब पाकिस्तान की आर्मी को वो इसलिए व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा से एक सिंपल सी चीज़ चाहती है कि भाई, कोई भी जो है सदर रियासत, प्रधानमंत्री, किसी भी बड़े पोस्ट पे आकर अगर वो बंदा बैठता है, तो उसको बेसिकली वही काम करना है जो आर्मी उसको कह रही है करने को। हमारे को देश में कोई इनोवेशन, हमारे को देश में लोगों को नई दिशा, लोगों को एक नया स्वराज, ये सब टाइप की चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के आर्मी के थॉट प्रोसेस के स्ट्रक्चर में नहीं बैठती हैं। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने पहले तो समर्थन करके पाकिस्तान आर्मी से मदद लेकर उसने सत्ता हासिल करी,
उसके बाद जब से उसने ये प्रकार की हरकतें शुरू कर दी तो वो पाकिस्तान की आर्मी से भी खफा होने लग गया, आर्मी उससे खफा होने लग गई। और दूसरी बात याद रखिएगा कि आईएसआई चीफ और इमरान खान के बीच की जो दोस्ती थी वो गहरी होती जा रही थी, क्योंकि दोनों एक सिमिलर थिंकिंग पे चल रहे थे कि नहीं, आईएसआई को भी एक नई अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। देखिए, पाकिस्तान की आईएसआई को ये चीज़ समझनी है कि आप जितनी मर्जी नई अप्रोच अपना लीजिए, आप जैसा मर्जी इनोवेशन कर लीजिए, भारत के पास तोड़ने की उसको हर चीज़ की रणनीति है, क्योंकि जहाँ पर आपकी सोचने की क्षमता खत्म होती है हमारी वहाँ से शुरू होती है। तो उस कारण से जितनी मर्जी इनोवेशन वो कर ले कामयाब नहीं होनी थी। लेकिन हमीद के केस में जो सबसे बड़ा फैक्टर था, इन सारे फैक्टर्स के सवाए भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर था, और वो फैक्टर था तालिबान का। हमीद के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ है कि वो तालिबान को जाके कन्विंस करे कि तालिबान में अफ़गानिस्तान की पूरी टेरिटरी का प्रयोग भारत के खिलाफ ऑपरेशन रन करने के लिए चलाया जाए। तालिबान के अंदर जितने भी उसके सीनियर लीडरशिप हैं, सबसे महत्वपूर्ण जिसमें से जो है वो है हेबतुल्ला अखुंडजदा। ये व्यक्ति जो हेबतुल्ला अखुंडजदा इस मोमेंट पर तालिबान का बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल चीफ है और तालिबान का भी हेड है, उस व्यक्ति ने ये बात स्पष्ट तरीके से मना कर दी। हेबतुल्ला अखुंडजदा ने ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोल दी कि किसी भी तरीके से कुछ भी कर लीजिए आप, हम आपको अफ़गानिस्तान की टेरिटरी भारत के खिलाफ प्रयोग करने के लिए नहीं देंगे। मैं आपके साथ पहले भी कई वीडियोस बना के ये बात आपको बोल चुका हूँ, भारत और तालिबान एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं। भारत तालिबान के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करता है, तालिबान भारत के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तालिबान ने आज तक, और ये बात मैं आज नहीं कई बार पहले भी आपको बोल चुका हूँ, कि आज तक तालिबान ने भारत के खिलाफ 1999 के IC-814 का जो फेक नरेटिव है वहाँ से लेके आज तक अगर आप उसका इतिहास देखें तो तालिबान ने भारत के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई और कभी कोई एक्टिविटी ना तो कश्मीर में की है और ना भारत के अंदर किसी प्रकार का जिहाद किया है। ये कहना गलत नहीं होगा, कई लोगों को शायद सुन के अच्छा ना लगे, पर सरल शब्दों में तालिबान भारत का भाई है। अब कई लोग कहते हैं आप किस बेसिस पे ऐसी बातें करते हैं, मैं आज आपको एक बहुत चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर बहुत सवाल कई बार लोगों ने पूछे हैं। मैंने ये किताब लिखी है तालिबान, ये किताब आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे भी मिल जाएगी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। जिन लोगों को आज की डेट में भी अभी तक ये चीज़ अगर समझ नहीं आई है कि तालिबान भारत का दोस्त क्यों है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ ये किताब पढ़िए। इस किताब को पढ़ने के बाद आप अगर इस डाउट को, अगर आपका वो रिमूव ना हो कि तालिबान भारत का दोस्त क्यों है, फिर आप मुझे बताइएगा। तो सबसे बड़ी चीज़, मुद्दे पे वापस अगर हम आए तो वो यही था कि तालिबान भारत का एक बहुत बड़ा दोस्त है। हमीद तालिबान को कन्विंस करने में नाकाम रहा, वो नाकाम रहा ये कह के कि भाई आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिसकी वजह से जो है भारत के ऊपर हम आक्रमण करने के लिए आपकी टेरिटरी का एक बेस बना पाए। अब जब तालिबान ने भी ये चीज़ मना कर दी तो उस समय आर्मी के अंदर एक ऐसा डिसीजन मेकिंग पावर तैयार हो गई कि भाई हमीद जो है हर फ्रंट पे एक निकम्मा व्यक्ति है। हमीद उस समय से ही जो है आर्मी के खिलाफ होने लग गया और आर्मी हमीद को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अब जाहिर सी बात है कि जब आर्मी ने ये बात हमीद को बार बार बोलनी शुरू करी कि भाई देखिए हम आपके कार्यकाल से खुश नहीं हैं, आपने किसी भी कार्य पर कोई भी ढंग का काम नहीं किया है, तब से हमीद और आर्मी के बीच के जो वार्तालाप चल रहे थे उन वार्तालापों में हमीद ने भी फिर कीचड़ आर्मी के ऊपर उछालना शुरू करा। उसने आर्मी को बदनाम करने की कोशिश करी, आर्मी को बोलने की कोशिश करी कि भाई आप खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ऊपर से आईएसआई कुछ नया करना चाहे तो आप उसके ऊपर रोक लगा रहे हैं। इस अनबन के कारण, समझने की कोशिश कीजिए, इस अनबन के कारण पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के चीफ हमीद के बीच में दिन पर दिन कीचड़ उछलता गया, समस्या गहरी होती गई। और आर्मी का पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में वो आईएसआई से बहुत बड़ा है। उसने ये निर्णय ले लिया था कि जिस दिन इमरान खान हटेगा उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति जिसको ठिकाने लगाने की कोशिश करनी है वो है ये आईएसआई का चीफ। और याद कीजिएगा, आर्मी ने दो निर्णय लिए थे, सबसे पहला कि इमरान खान को भी ठिकाने लगाएंगे। आपको याद होगा कि चंद महीने पहले उसके ऊपर गोली चली थी, वो भी पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड पूरा कैंपेन था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि वो उसको ठिकाने तो लगा नहीं पाए, लेकिन उसको एक मैसेज दे दिया कि हमें तेरी हरकतें पसंद नहीं आई, दोबारा राजनीति में कदम रखने की कोशिश मत करना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़,
दूसरी गाज गिरी तो वो इस हमीद के ऊपर गिरी जो आज आपके सामने कार्रवाई में है। तो आई होप कि अब आपको ये पूरा इशू समझ आ चुका होगा। पाकिस्तान पहले भी टर्मोइल में था, इस इशू के बाद और टर्मोइल में आ जाएगा। इस टर्मोइल का क्या खमियाजा होगा, वो खमियाजा नंबर वन ये होगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदरूनी डोमेस्टिक सिचुएशन बिगड़ेगी, उतना ही आईएसआई एक छोटा सा स्फीयर ऑफ ऑटोनॉमी क्रिएट करके भारत के खिलाफ अपने ऑपरेशंस बढ़ा देगी। ये मैं एक पॉइंट आपको बोल रहा हूँ इतिहास के तौर से, क्योंकि इतिहास में हमेशा ये देखा गया है कि जब जब आप भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के इतिहास को पढ़ते हैं तो उन रिश्तों में ये चीज़ हमेशा देखने को मिलती है कि जब जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी और राजनीति या पाकिस्तान की आर्मी या किसी आर्मी के दूसरे डिपार्टमेंट या कुछ भी इंटरनल टर्मोइल होता है तो आईएसआई अपना एक छोटा सा स्फीयर ऑफ ऑटोनॉमी बनाकर अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर करके कश्मीर में अपनी गतिविधियां बढ़ा देती है। और आज आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि भारत में अब हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि चुनाव आयोग ने कश्मीर में चुनाव घोषित कर दिए हैं। चुनाव घोषित करने के बाद आईएसआई की रणनीति अब बड़ी स्पष्ट होने जा रही है। पाकिस्तान अंदरूनी तनाव में व्यस्त रहेगा। आईएसआई जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम करेगी वो ये करेगी कि वो सारा का सारा फोकस अपना अब कश्मीर पे लगाएगी। आने वाले आप देखेंगे कि लगभग 2 से 3 से 4 हफ्ते कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां और बढ़ने वाली हैं। अनफॉर्चुनेट है कि इन गतिविधियों का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होगा कि चुनाव से पहले एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि पाकिस्तान ये कहना चाहे पूरे विश्व तौर पर कि भारत जो एक बार बार डंका पीट रहा था कि हमने कश्मीर में धारा 370 हटाकर अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर की सिचुएशन को पीसफुल बना दिया, वो उस भ्रम को बेसिकली पूरे विश्व तौर के सामने तोड़ना चाहता है। और कश्मीर के अंदर ये प्रकार के इंटरनल केओस और इस इंटरनल वायलेंस से दूसरा अनफॉर्चुनेट चीज़ ये होगी जो कश्मीरी आवाम है वो एक डर के अंदर आ जाएगा। और डर के अंदर आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जब कश्मीरी आवाम डरा हुआ होगा इस चीज़ को लेके कि भाई सुरक्षा जो स्थिति है वो बड़ी ख़राब है, तो वो जान पूछ कर वोटिंग बिहेवियर में इस प्रकार का वोटिंग बिहेवियर दिखाएगा कि उन्हीं पार्टियों की तरफ वो वोट करेगा जिन पार्टियों के एजेंडा जो पाकिस्तान चलवाना चाहती थी और आज की डेट में भी पाकिस्तान चलवाना चाहती है। तो इसका आउटकम आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। पहला कि आने वाले समय में कश्मीर के अंदर मजबूरन अनफॉर्चुनेट परिस्थिति के तहत सेना और कश्मीरी पाकिस्तानी ये जो टेररिस्ट हैं इनके बीच में हिंसा बढ़ेगी। दूसरा एक पूरा माहौल क्रिएट किया जाएगा आवाम के बीच में। आवाम के बीच में माहौल ये क्रिएट किया जाएगा कि भाई अब जो है सुरक्षा स्थिति दिन पर दिन ख़राब हो गई है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ आवाम का वोटिंग बिहेवियर देखिएगा, क्योंकि जिस दिन चुनावी नतीजे आएंगे आप उन नतीजों को ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं आज आपको अगस्त में ये बात बोल रहा हूँ, आप ये चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा कि आवाम इस प्रकार से वोट करेगी कि वो वोटिंग केवल उन्हीं पार्टियों को वोट देगी जाकर जो पार्टियां पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर में चलाती आई हैं और चलाती रहेंगी। कश्मीर में चुनावी रिजल्ट आने के बाद इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यही चीज़ होने जा रही है। धन्यवाद।